किसान भाइयों, सही समय पर हीट की पहचान ना करने से गर्भधारण की प्रक्रिया में दिक्कत आती है। सही समय पर अगर सीमेन नहीं डाला जाए तो गाय गाभिन नहीं हो पाती। इसलिए आपको गाय के गर्म होने की जांच 24 घंटे में 3 बार करना चाहिए। पहला सुबह जगने के तुरंत बाद, दूसरा 5 से 6 बजे शाम के समय और तीसरी बार रात में सोने से पहले जांच करें। पूरी तरह गर्म होने के औसतन 30 घंटे के भीतर अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया यानी ओवुलेशन शुरू होती है। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के ठीक पहले सीमेन डालना अनिवार्य है। अगर आपने किसी कारणवश देर कर दी हो तो फिर गर्भ ठहरने की कोई संभावना नहीं होती। आपको बता दें कि इस चूक से बचने के लिए विशेषज्ञ 2 बार सीमेन यानी वीर्य डालने की सलाह देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार सीमेन डालने और ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होने के बीच काफी लंबा गैप हो गया हो। इसलिए जब हम दोबारा इंसेमिनेट यानी वीर्य प्रवेश कराते हैं तो गाय गर्भधारण कर लेती है। इंसेमिनेशन के 2 से 2.5 महीने में गाय के गाभिन होने की जांच की जाती है। आप सोचते होंगे कि पशु चिकित्सक गाय के आंतरिक बदलाव को कैसे महसूस कर लेते हैं, तो आइए हम विस्तार से समझें कि विशेषज्ञ इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं। इंसेमिनेशन के बाद हम लोग 2 महीना के अंतराल में, हम लोग 2 से 2.5 महीना में एक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये गाय कंसीव की है कि नहीं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि हम लोग रेक्टम से हाथ डाल के ठीक उसके नीचे में जेनिटल ट्रैक्ट रहता है उसको हम लोग छूते हैं, पल्पेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग हाथ में अच्छा से बढ़िया से साबुन लगा के लुब्रिकेट करेंगे, हम लोग इस पूंछ को हटाएंगे और रेक्टम में हाथ हम लोग धीरे से डालेंगे, कोन बना के, हाथ को कोन बना के हम लोग रेक्टम में हाथ को डाल देते हैं। बैक रैकिंग करके हम लोग इसमें जो फीसिस है उसको निकाल देते हैं। फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर सर्विक्स कहलाता है उसको हम लोग छूते हैं। फर्स्ट लैंडमार्क ऑफ रेक्टल पल्पेशन होता है सर्विक्स। सर्विक्स को हम लोग पल्पेट करते हैं फर्स्ट। सर्विक्स छू लेने के बाद हम लोग यूट्रस के 2 हॉर्न को पल्पेट करते हैं धीरे से, हल्का से। और पल्पेशन के बाद हम लोग कुछ क्राइटेरिया है, अगर ये प्रेग्नेंट होगी तो बॉडी ऑफ यूट्रस को अगर हम लोग हल्का से पिंच करेंगे तो स्लिपिंग ऑफ फीटल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगा और एसिमेट्री ऑफ द हॉर्न हमें मालूम चलेगा। प्रेग्नेंट हॉर्न फुल जाता है, नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न फुलता है, उतना नहीं फुलता है जितना प्रेग्नेंट हॉर्न, और इससे ज़्यादा हमें 2 महीना में ज़्यादा पल्पेशन नहीं करना है। यही 2 क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर सक्सेसफुल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी।